हेलो फ्रेंड, अपराजिता पे इस बार फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सबकी ये शिकायत है कि जितने भी अपराजिता के प्लांट हैं फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो है फ्रेंड, वीडियो पूरा वॉच करना कि अपराजिता पे इस बार फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। कई प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग ही नहीं कर रहे अपराजिता के, और मेरे यहाँ भी ये अपराजिता प्लांट है फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा किस रीज़न से हो रहा है। तो इस बार अपराजिता पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नहीं तो जुलाई मंथ और सितंबर अगस्त में ढेरों फ्लावरिंग होती थी अपराजिता पे। और पत्तियाँ पीली हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, इसके ऊपर भी लोगों ने कमेंट किया है क्या करें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई पत्तियाँ पुरानी होती हैं तो वो झड़ जाती हैं, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। अगर नई पत्तियाँ झड़ रही हैं और पीली हो रही हैं तो उसके लिए आपके प्लांट में जो मिट्टी है उसको खाद की ज़रूरत है। तो कोई भी खाद आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि खाद देना बहुत ज़रूरी है प्लांट को। और अपराजिता पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसके एक दो रीज़न और हैं जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। कई बार अपराजिता को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे अपराजिता प्लांट एक वाइन प्लांट है, इसको हम क्रीपर से बांधेंगे तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको वाइन की तरह ग्रो करना है तो इसको हमें ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वाइन वाले प्लांट जो भी हैं उनकी अच्छी स्टेम के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए उसको हमें किसी ऊपर डंडे की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से ऊपर की तरफ बांधना चाहिए। नीचे को गिरेगी तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होएगा अपराजिता का। ये देखिए कैसे मैंने ऊपर की तरफ बांध रखा है और ऊपर तक बेल जा रही है। तो ये भी चेक करते रहें, प्लांट आपका सीड तो नहीं बना रहा। अगर सीड बना रहा है तो वैसे भी फ्लावरिंग नहीं होती, और जो प्लांट सीड बनाने लगता है तो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो अपराजिता को ठीक से चेक करते रहें और इसकी जो ब्रांचेस आ रही है इसकी प्रूनिंग करते रहें, ये वाली ऊपर की नोट को प्रूनिंग करते रहें, या तो कैंची की सहायता से कट करते रहें, इसको पिंच करते रहेंगे तभी प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। तो अपराजिता की इस बेल से अगर फ्लावर लेना चाहते हैं तो नोट को पिंच करते रहें, ये जो नई नई नोट निकल रही है इसको पिंच करते रहें। और वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फॉर्म में ज़रूर दें अपने प्लांट को, और मिट्टी अच्छे से चेक कर लें पोट की, ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी मिट्टी में। मिट्टी ऐसी हो कि जो हाथों पे चिपके नहीं और मॉइस्ट रहे मिट्टी। तो पानी का भी अच्छे से ध्यान रखें फ्रेंड अपराजिता प्लांट पर। और पुरानी पत्तियाँ पीली होकर झड़ रही हैं तो वो तो ठीक है, अगर नहीं झड़ रही है तो आप अपने प्लांट को खाद दें। DAP के दाने भी दे सकते हैं फ्रेंड, DAP के दाने से भी आपके अपराजिता प्लांट पे फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड ये ऐसी इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है कि कई लोग परेशान हैं अपराजिता पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो इसके रीज़न दो तीन ये जो मैंने बताए हैं आपको, इसको अगर नोटिस करेंगे फ्रेंड तो अपराजिता के प्लांट पे आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।